नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल मानव श्रृंखला में सभी से शामिल होने का आह्वान किया है, किसानों के मुद्दे पर सड़क पर उतरने का आह्वान किया है और नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूकने का आह्वान किया है, ये तमाम आह्वान किए आज तेजस्वी यादव ने। नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के सभी दल मिलकर उन्होंने आज रणनीति तैयार कर ली है कल की, कि वो सरकार को घेरेंगे मानव श्रृंखला बना के। जो नीतीश कुमार मानव श्रृंखला बनाते रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर और विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, अब वही मानव श्रृंखला बनाकर तेजस्वी यादव जो है सरकार को घेरने जा रहे हैं, नीतीश की सरकार को, बिहार की सरकार को। और इस बिहार की सरकार में जीतन राम मांझी भी शामिल है, पर मांझी तेजस्वी का साथ देने को तैयार है। जी हाँ, हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि मांझी तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए तैयार है। मांझी ने कहा है कि वो मानव श्रृंखला में तेजस्वी यादव के साथ उतरने के लिए तैयार है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है। पहले आपको ट्वीट बताएंगे, फिर आपको ट्विस्ट समझ में आएगा कि आखिर ट्विस्ट क्या है, मांझी क्यों तैयार है तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए। तो ट्वीट पहले पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद ट्विस्ट खबर में आ जाएगा खुद ब खुद। तो जीतन राम मांझी ने लिखा है, नौकरी और टिकट के लिए जिन नेताओं ने किसानों से जमीन लिखवाई है, अगर उनसे किसानों की जमीन महागठबंधन के लोग वापिस करवा दें तो मैं भी मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार कर सकता हूं। तो तेजस्वी यादव के लिए लिख दिया इशारों में जीतन राम मांझी ने कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो जमीन वापस करवा दें जो किसानों से लिखवाई है। दरअसल उनका निशाना लालू परिवार पर है, जिस तरह से उन पर आरोप लगे कि वो जमीन लिखवाए हैं उन्होंने किसानों की, और तमाम जमीन जो मिले थे बेनामी संपत्ति यहाँ मिली थी और उस पर कार्रवाई भी की गई थी, पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हुई थी, कई संपत्ति जब्त भी की गई थी। तो उस पर निशाना साधते हुए मांझी ने कहा है कि मैं मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार कर सकता हूँ, ये कह रहे हैं और शर्त लगा दी है उन्होंने। तो दरअसल आप ट्विस्ट समझ गए होंगे, मैं फिर से एक बार पूरा ट्वीट पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। नौकरी और टिकट के लिए जिन नेताओं ने किसानों से जमीन लिखवाई है, अगर उनसे किसानों की जमीन महागठबंधन के लोग वापिस करवा दें तो मैं भी मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार कर सकता हूँ। घोर कलयुग आ गया है, नौकरी और टिकट के लिए किसानों की जमीन लिखवाने वाले भी किसानों को न्याय दिलवाएंगे। तो मांझी ने अगले लाइन में तंज कस दिया, तो आप समझ गए होंगे ट्विस्ट क्या है खबर में। मांझी ने शर्त रख दी है तेजस्वी यादव के सामने कि वो उनकी मानव श्रृंखला में जो किसानों के लिए वो बनाने जा रहे हैं उसमें वो शामिल होंगे, बशर्ते कि जो किसानों की जमीन तेजस्वी यादव और उनके परिवार वालों ने लिखवा रखी है वो उन किसानों को वापस कर दे। तो मांझी ने बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पर, उनके मानव श्रृंखला पर, और कह दिया है कि पहले जो ऐसा व्यक्ति जिसने किसानों की जमीन लिखवा रखी है वो किसानों को क्या न्याय दिलवाएगा। इस तरह की बातें मांझी ने कही है। मांझी कह रहे हैं जो नौकरी और टिकट के लिए किसानों की जमीन लिखवाने वाले लोग हैं वो किसानों को न्याय क्या दिलवाएंगे। तो मांझी ने बड़ा हमला बोल दिया है मानव श्रृंखला के पहले तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, आज उन्होंने सरकार के खिलाफ शंखनाद किया है कि वो मानव श्रृंखला बनाएंगे किसानों के समर्थन में। अब मांझी ने पलटवार कर दिया है तेजस्वी यादव पर मानव श्रृंखला बनाने के पहले, और बड़ी शर्त रख दी है और कह दिया है कि पहले किसानों की जमीन वापस कर दे तेजस्वी यादव, जो उन्होंने नौकरी और टिकट के नाम पर लिखवाई है वो पहले वापस कर दें तो वो भी मानव श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं, विचार करेंगे मांझी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सबसे स्टाइलिश
एसेंस यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।